सारी तैयारियां हो गई हैं। दियो में घी भर दीजिए, पूरा महल जगमगाना चाहिए। आप क्या कर रही हैं? हम आपको बताते हैं। पूजा की थाल हम अपने हाथों से सजाएंगे। मान भाई, आप हमारी मदद नहीं करेंगी? जी बुआ सर। गुलाब की कलियां तोड़ लीजिए। ये कनीज कौन है बुआ सर? अनार, आपकी मुलाकात नहीं हुई, हम इनका परिचय कराते हैं। अनारकली, आप जाइए। जी। आदाब रानी सर। आदाब राजकुमारी जी। ये हमारी बेटी जैसी है और सलीम की दोस्त। इनका नाम है अनारकली। क्या हुआ? कुछ नहीं बुआ साहब, वो कली चुप गई थी। ऐसे क्या बताया आपने? ये सलीम की दोस्त है? जी हाँ, बिल्कुल आपकी की तरह। हमारी तरह तो सिर्फ हम हैं बुआ साहब, लेकिन ये देखकर अच्छा लगा कि आपके महल में छोटे और बड़ों का अंतर नहीं है। आपके दरबार में तो सोना और मिट्टी दोनों बराबर के हैं। ऐसे भी उस लड्डू से कनीजों के अलावा कौन दोस्ती करेगा? अनार, ये मान बाई हैं, हमारी भतीजी। अब आप इन्हीं के साथ रहेंगी। ठीक। आगरा में दासियां साथ देती हूँ, लेकिन आमेर में तो आज भी सेवा ही करती है। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं राजकुमारी जी। बेहतर है। सही फरमाया आपने। भाई साहब आ गए। खमागड़ी भाई, खमागड़ी भाभी साहब, आइए। बादशाह सलामत। ये है हमारी सुपुत्री मानबाई। खुदा आपको खुश रखे मान भाई। आई जी। महारानी, आप भाई दूज की रस्म शुरू कीजिए। आइए भाई बचपन के बाद उम्र के साथ वजन भी उसी हिसाब से बढ़ा लिया है मोटू ने। अपने मोटू के बारे में सच जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी मान भाई। आज वाकई साहिब आलम खुश लग रहे हैं, और हो भी क्यों, इतने सालों बाद अपने बचपन के दोस्त से जो मिल रहे हैं। ये यहाँ भी आ गया। आप किसकी बात कर रही हैं राजकुमारी जी? तुम्हारे वाली अहद की और किसकी? काफी किस्से सुने थे इनकी बहादुरी के हमने, पर लगता है कि ये लड्डू मच्छर तक नहीं मार सकता।
करिएगा राजकुमारी जी, पर हमारे वलीअहद कोई मामूली बहादुर नहीं, ये तो शूरवीर है। अकेले पूरी फौज पर भारी पड़ जाते हैं। लड्डू खाने में नहीं, जंग में। अभी कुछ ही दिनों पहले इन्होंने 20 बागियों को अकेले मार गिराया था। बेगम, आपको नहीं लगता ये मान भाई कुछ ज्यादा ही मान खा रही है? लगता है राजस्थान की राजकुमारियों के तेवर वहां की मिर्च से भी ज्यादा तीखे होते हैं। मीठे से तो हमें सख्त नफरत है। अब देखते हैं ये तीखा हमें पसंद आता है या नहीं। ऐसा बहादुर हिंदुस्तान ने आज तक नहीं देखा। तुम दासी हो, तुमने बहादुर और बहादुरी ना देखी है ना देखोगी। इस लड्डू की वीरता की कहानी तुम मानोगे, पर मान भाई ना मानेगी। ये तलवार क्या उठाएगा, अपना वजन उठा ले तो ही काफी है। चलिए मुंह मीठा कीजिए। भाभी सर, हिंदुस्तान एक माँ है और एक माँ सिर्फ मोहब्बत देखती है, मजहब नहीं। इसलिए हिंदुस्तान में हर त्योहार मोहब्बत से मनाया जाता है। राजा भगवान दास जी, आपने भाई दूज के इस मुबारक जश्न में अपने परिवार के साथ शरीक होकर माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया है। हमारे वलीअहद सलीम ने तलवार पकड़ी तो खुद थी, लेकिन इस तलवार को धार मानसिंह ने दी थी। तो आज सलीम की तलवार और मानसिंह की तालीम दोनों को आजमा लेते हैं। और आज के दिन को और भी खास बनाने के लिए सलीम हिंदुस्तान के दो जाबाज तलवारबाजों से मुकाबला करेंगे। देखें बाजी कौन लेकर जाता है। ये लड्डू तो गया। बहुत तारीफ कर रही थी ना अपने वलीअहद की, अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। ये कौन है? यही तो है हिंदुस्तान के वलीअहद, हमारे साहिब आलम सलीम। यानी कि सलीम अब तक हमें बेवकूफ बना रहे थे। एक मछली और दो कांटे, मछली किस कांटे में फंसती है ये तय तो रुकैया बेगम ही करेगी। हथियार। Thank you.
शाबाश, हमें फख्र है आप पर सलीम, और नाज है आपकी तलवार पर। बहुत खूब। लगता है आपको पहले वाला सलीम ही ज्यादा पसंद था। सलीम, तुमने हमसे असलियत छिपाकर अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, क्या हो गया? आप अचानक क्यों जा रही हैं? हमारी बात तो सुनिए राजकुमारी जी। उम्र का एक गहना होता है, बचपन में अगर गुस्सा सजता है और जवानी में हया। आप हैं कि अभी तक बचपन का गुस्सा अपनी नाक पे लेके घूम रही हैं। हमसे दूर रहिए सभी। मनु, हम तो आपके लिए मोटू हैं ना? मोटू थे, अब नहीं रहे। आपने हमारे साथ इतना बड़ा मजाक किया, पता है हम कितनी बेसब्री से आपसे मिलना चाहते थे, और आपने उस कद्दू को वहां बिठा दिया। मान जाओ ना मनु। मान भाई नहीं मानेगी, और अब हम यहाँ से जा रहे। हमारा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब हम दोस्त नहीं रहे। मनु, हमने आपकी इतनी गुस्ताखियां माफ की हैं बचपन में, आप हमारी एक गुस्ताखी माफ नहीं करेंगे? अब हम बच्चे नहीं रहे सलीम। पर हमारे लिए तो आप अभी भी वही मनु, जिद्दी, लड़ाकू, अकड़ू, जिसकी छोटी सी नाक पे हमेशा गुस्सा बैठा रहता था। अरे, गुस्सा तो अभी भी वही है। और ये उड़ा। आप तो बिल्कुल नहीं बदले मोटू, लेकिन अब आप वली अहद बन चुके हैं, तो अब से हम आपको सलीम बुलाएंगे, क्योंकि साहेब आलम मोटू सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। बेगम, अब ये एक अनार और आप करेंगी दोनों को बीमार। दोनों कितने शरारती हो गए। बचपन में जो सलीम करते थे वही मान भाई को करना होता था। दोनों बड़े हो गए हैं, लेकिन लगता है जैसे कल की ही बात हो। आप ठीक कह रही हैं जोधा भाई साहब, दोनों को तो जैसे एक दूसरे की आदत सी थी। बचपन बीत गया, लेकिन दोनों की आदतें अब तक नहीं बदली। माशाल्लाह, दोनों की दोस्ती आज भी वैसी की वैसी ही है। खाना तैयार है महारानी साहब। चलिए, भोजन लग गया है, भोजन कक्ष चलते हैं। जी, आइए। बादशाह सलामत। आप लोग चलिए हमारे। चलिए। क्या बात है रुकैया बेगम, आप कुछ कहना चाहती हैं? बादशाह सलामत, हम सलीम को लेकर बड़े परेशान हैं। सलीम को लेकर? जी, जब बेटे की उम्र निकाह के लायक हो जाए तो माँ को तो फिक्र होती है ना। हम भले उनकी सकी माँ नहीं है, लेकिन हमने हमेशा उन्हें अपनी औलाद की तरह मोहब्बत की है। हम जानते हैं। कोई है आपकी नजर में सलीम के लिए? आज जब हमने सलीम और मानबाई को साथ में देखा, तो हमें ये ख्याल आया कि आपको नहीं लगता उन दोनों की जोड़ी बड़ी खूब रहेगी? मानबाई? हाँ, हम आपकी बात से इत्तफाक तो रखते हैं, लेकिन
हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते। अभी तो हमें ये तक नहीं पता कि दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं या नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बादशाह सलामत, हम तो बस इसलिए कह रहे थे कि शाही खानदानों में शादियाँ सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं, दो रियासतों के बीच में होती है। मान बाई आमिर की राजकुमारी है, जोधा बेगम की भतीजी है, उनके जरिए राजपूतों के साथ हमारे रिश्ते और भी मजबूत हो सकते हैं बादशाह सलामत। ख्याल बुरा नहीं है। जोधा बाई और राजा भगवान दास से इस बारे में बात की जाएगी। याद है हमने आपसे कहा था कि ये कमरबंद नहीं हमारा तीर है, तो यूं समझ लीजिए कि मान बाई के आ जाने से हमारे इस तीर को निशाना मिल गया। मान बाई है आपकी तीर का निशाना, लेकिन कैसे बनेगा ये निशाना हमें भी तो समझाना। ये कमरबंद मुगलिया सल्तनत की होने वाली बहू को दिया जाता है। बस आप जिसकी कमर पे भी इसे देखें, उसे ही अपनी बहू समझ लीजिएगा। जो सलीम ने अनारकली को दे दिया था, और अनारकली से आपने छीन लिया, और अब हम ये कमरबंद मान बाई तक पहुंचाएंगे, ताकि मान बाई इसे पहनकर जोधा बाई के सामने जाए और जोधा बाई समझेंगी कि ये कमरबंद साहिब आलम ने मान बाई को दिया है और वो मान बाई से निकाह करना चाहते हैं। जोधा भाई ये खबर बादशाह सलामत को सुनाएंगी, और बादशाह सलामत मान भाई और सलीम के निकाह का ऐलान कर दे। और जब सलीम को ये बात पता चलेगी तो खफा हो जाएंगे, और खफा होने के बाद बादशाह सलामत के पास जाएंगे और कहेंगे हम अनार की कली से मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत का इकरार करेंगे। लेकिन बादशाह सलामत एक दो कौड़ी की कनीस को मुगल सल्तनत की बहू कभी नहीं बनने देंगे। बाप बेटे के बीच की दूरियां बढ़ेंगी, शोले भड़केंगे, रिश्ते टूटेंगे, आग लगेगी, खानम नाचेगी, आग लगेगी। अपनी दुनिया को रोशन करने के लिए दूसरों की दुनिया में आग लगानी पड़ती है खानम। जवानी का इश्क बारूद होता है, और जब इस इश्क में बादशाह सलामत के इनकार की चिंगारी पड़ेगी तो ऐसा धमाका होगा कि ये आगरा हिल जाएगा। बेगम, फिलहाल तो ये खानम हिल रही है। आज तक हमको इतना पता था कि जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन आज पता चला कि सियासत तो शेरनी करती है। शेरनी हुकूमत भी करना चाहती है खानम, लेकिन ये दुनिया औरत को हुकूमत नहीं करने देती। लेकिन हम उन औरतों में से नहीं है जो आंसू बहाकर इस दुनिया के सामने हार मान ले। हम तो उनमें से हैं जो आंसू नहीं खून बहाना जानती हैं। अब आप देखते जाएं खानम, देखते जाएं कि हमारी पैदा की हुई एक मामूली सी गलतफहमी इस हिंदुस्तान की तकदीर कैसे बदलती है। हमारे पास तीर तो पहले से था, लेकिन इसे चलाने का वक्त अब आया है खानम, अब आया है। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.